Austin! Austin! पीले पीले ओ मोरे राजा पीले पीले जवानी। दोस्तों ऐसे गानों के फेर में मत आना, क्योंकि पीने के बाद लोग गिरते पड़ते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन चलो अभी ज्यादा टाइम खोटी नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है ड्रंक पीपल फनी मोमेंट्स। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक काम करते चलना, सब्सक्राइब के बटन के बाद बेल आइकन को जरूर दबाना टिंग टिंग, जिससे होगा यह कि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। बाकी तो सब अच्छा है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में ये बूढ़े चाचू सड़क पर निकल आए बोतल भी उठा लाए। दोस्तों शराब पीनी हो तो लिमिट में पीना, वरना इस चाचू की तरह ज्यादा पीकर फेमस हो जाओगे और हंसी के पात्र बन जाओगे। जानी इस वीडियो में जवा लोग अपनी सुध बुध खो बैठे हैं और ये कपल सड़क के किनारे नाच रहा है, लेकिन नाचते नाचते ये लड़की अपना आपा खो बैठी और नाली में जा गिरी। सुनो बेटी, अब ज्यादा पैर चढ़ाओगी तो नाली में डुबकी ही लगाओगी ना, क्या समझे दिलवर जानी। अरे देवा 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 बाबा, अरे कैसा लोग रहा भाई, अरे जो बाढ़ आने के बाद भी ठेके से दारू लेके जा रहे हैं, अरे ऐसी दीवानगी दारू के लिए, गजब रे बाबा, उठा ले रे, अरे मेरे को नहीं रहा पड़ोसियों को उठा ले रे बाबा। है राजू तू भी जाने का दो चार पेटी बियर उठा ले, अरे ठंडी बहुत रे भाई। अरे मैं ना कहता था ज्यादा शराब होती है खराब। देखो देखो इस आदमी को कैसे नाली के पानी से नहा रहा है और हंस भी रहा है। अरे पियक्कड़ देवता उठ जा, अपने घर को जा, क्यों खाली पेली सड़क पर अपना तमाशा बना रहा है। अरे वो तो भला है मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी का, जो ऐसी ऐसी वीडियोज लाते हैं और दर्शकों को बहकने से बचाते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आओ चलो तुम्हें कुछ अलग दिखाऊं। यह रमता जोगे डेड पौए के बाद सड़क पर ही अपनी बॉक्सिंग की स्किल्स दिखाने लगा। अरे वाह हीरो वाह, ढक के चके ढा। पर दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना भूलना मत। आओ ये पागल छोरा कौन है जो पीने के बाद अपना सिर इस शटर में एक के बाद एक मारे जा रहा है। अरे मुन्ना ये तेरी खाली खोपड़ी है, कोई 2.5 किलो का हाथ नहीं जो टूटेगा नहीं। ये लो भाइयों, ये लौंडा तो अब ठंडा पड़ गया। अरे देखो भाई देखो, कहीं जिंदा आया मर गया। अरे बाबा, अरे रे तेरे बाप की सड़क है क्या? अरे क्या कर रेला है तू, खुद को मच्छी या फिर सड़क को तालाब समझ रेला है तू? अरे यहाँ पर तैराकी दिखा रहा है, अरे उठ भाग यहाँ से, रास्ता खाली मांगता अपने को। अरे उठ के भाग जा बाबा, यहाँ से रास्ता खाली मांगता अपने को। अरे देखिए आ गए हैं ये कानून के रखवाले, लेकिन ये हवलदार है ज्यादा पीने वाले। देखिए कैसे ये यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ अपने कदम बढ़ाए जा रहे हैं और अपनी खिल्ली उड़ा रहे हैं। मगर दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, यहाँ गया ऐसा लुड़का कि नीचे गिर गया, अब इसकी जॉब तो गई समझो। अभी बाबूजी की आवाज आएगी, जा हवलदार जा बचा ले अपनी नौकरी। अरे जा हवलदार जा बचा ले अपनी नौकरी। रो भाई लोगो, ये वीडियो देखो, यो आदमी बाइक पर बैठना आया,
और यो तो भाई पहले गिर पड़ा, पर बात यो ना थी, यो नशे में धुता आदमी फिर गिरा और मिनट के भीतर ही अपने साथी ने भी गिरा बैठा। तो यारो याद रखना, ऐसे से दोस्ती कतई जहर है, ठीक है? ये ताऊ कहाँ से आए? ये तो चौराहे पर ही नाचते जाए। अरे ताऊ, तुझे तो दो बैग लगाते ही क्या हो गया? तूने तो चौराहे को ही डांस बार बना लिया। लेकिन दोस्तों, ये ताऊ इतने पर भी नहीं माना। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने ताऊ को समझाया बुझाया तो ये देखो ये कैसे नाचता जा रहा है। अरे गजब ताऊ, तूने तो दिल जीत लिया। तो क्या कभी तुमने भी हैंगओवर में कुछ इस तरह से किया है? किया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हाँ, साथियों आप जरा इस प्राणी को देखिए। ये टकला व्यक्ति इतना सेट हो चुका है कि यह अपने सिर पर मिट्टी मल रहा है और पागलों के जैसे नाच रहा है। शास्त्रों में ऐसे ही व्यक्ति को पियक्कड़ या बेवड़े की संज्ञा दी जाती है, समझे साथियों? अरे अंकल वाह, ठेके पर ही संतरा चढ़ा लिए, ओकरे बाद इनसे साइकिल नहीं संभाल रही। देखिए कितना कंफ्यूज है कि साइकिल चलाए तो कैसे चलाए। लेकिन जैसे ही इन्होंने साइकिल घुमाई, ये कुलाटी मार के गिर पड़े। अरे गजब बकलोली है भाई। दारू पी के डांस करे डांस करे, दारू पी के डांस करे डांस करे। अरे ये छोरे तो कीचड़ में नागिन डांस करने लगे हैं। इन्हें ना कोई टोकने वाला है ना कोई ठोकने वाला है। अरे पियकड़ो संभल जाओ, वरना जनता मार मार के तुम्हें ही नाग बना देगी। देवी और सज्जनों, पेश है आप सबके सामने ये वीडियो जिसमें ये पुलिस वाला दारू के नशे में ऐसा फंसा कि जूता निकालते ही पलट गया। देख रहे हैं ज्यादा पीने का नतीजा। अरे बेटा इतना पीता ही क्यों हो कि बैठे बैठे कुर्सी पर ही सो जाओ और कुत्ता तुम्हारा मुंह चाटने लग जाए। अरे बेटा उठना, क्या हुआ है तुझको? देख कहीं ये कुत्ता तेरे होठों को काट कर तेरे मुंह में ना घुस जाए। अरे उठ जा बेटा, उठ जा। अरे यारो जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन ज्यादा पीने के बाद कभी बाइक मत चलाना, वरना इस बेवड़ी की तरह यू ही घुन घुन करते पलट जाओगे। कोई शक? अरे भाइयों ये देखो इस शराबी की ड्रामेबाजी। ये बरखुरदार सड़क पर नशे में ऐसे झूम रहे हैं, ऐसे झूम रहे हैं कि क्या बताएं। लो जी अब तो ये गिर भी गए। उठ जा बेटे, ये तेरा बिस्तर नहीं है, ये सड़क है सड़क, क्या समझे? अरे देखो भैया, ये आदमी नशे की हालत में रोड पर पसर गया। अब कोई गाड़ी आए या जाए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इसकी नींद पूरी हुई तो ये उठकर चलने लगा। अरे ऐसे लोग जो है पीने के बाद खुद को ही नहीं दूसरों को भी परेशान करते हैं, क्या समझे? दोस्तों जरा इस आदमी को तो देखो, ये पीने के बाद आईने के आगे खुद को ही दूसरा शख्स समझ बैठा है, और कभी उसको सामने से हटने को कह रहा है तो कभी उसको भिड़ता देख आंखें दिखा रहा है। लगता है आदमी जरा भाग गया है। वाओ देवी और सजनों, अंत में पेश है इस पियक्कड़ भाई की ये जानदार शायरी। काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, कम से कम तोड़ने वाले के हाथों पे निशान तो आया होता। कि तू क्या है क्या नहीं इससे मुझे क्या पड़ी, क्या तू क्या है क्या नहीं इससे मुझे क्या पड़ी, लाखों को छोड़कर मेरी नजर तुझ पे पड़ी जा पड़ी। दुनिया का सब कुछ लुटा के जो तुझको पाया तो मुझे यूं लगा कि दुनिया की हर खुशी मेरी झोली में आ। अच्छा दोस्तों,
अभी तो हम चलते हैं, लेकिन कल शाम 5 बजे फिर से मिलेंगे आपके इसी चैनल पर, जिसका नाम है मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और कभी अलविदा ना कहना।